कानपुर देहात में कानपुर देहात महोत्सव मनाया जा रहा है। ये महोत्सव 6 फरवरी से 12 फरवरी तक चलेगा। आज 9 फरवरी है। वहीं अगर कानपुर देहात महोत्सव की बात करें तो बच्चों के लिए फन जोन भी बनाया गया है, जिसमें तमाम तरीके के झूले भी हैं। और अगर कॉमर्शियल क्षेत्र की बात करें तो कॉमर्शियल स्टॉल भी बनाया गया है। देख सकते हैं आप, पूरी तरीके से इसको गेट बनाया गया है। और ये तरह तरह की वैरायटी के यहाँ पर बैग भी सेल किए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका भैया? मोहम्मद मुजाहिद। कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। लखनऊ से आए हैं जी। तो कैसा रहा यहाँ का तजुर्बा आपको? सेल हो रही है? हाँ, हो रही है सेल। अच्छा है तजुर्बा और बढ़िया सेल हो रही है। लोग मांग कर रहे हैं? हाँ, लोग मांग कर रहे हैं। कितने कितने का बेच रहे हैं? मात्र 100 रुपए का है, कोई सा भी लीजिए। हाँ, जयपुरी पर से। ये जयपुरी पर हाथ का बनाया हुआ? बिल्कुल, देखिए हैंड क्रेंडिंग का है, हाथ से बनाया हुआ पर्स है। ये लखनऊ से आए हैं, जयपुर का बनाया हुआ बेच रहे हैं। और बाबा को अंदर ले चलते हैं। यहाँ पर तरह तरह के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, जिसमें आपको हर तरीके की दुकानें एक तरीके से स्टॉल में सजी दिख जाएंगी। यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट भी हैं। एडीएम साहब इसको देख रहे हैं, उसके बारे में जानकारी भी कर रहे हैं और अंदर ले चलते हैं आपको। देखिए, ये एक स्टॉल लगाया गया है किसी डिटर्जेंट पाउडर का है। यहाँ पर तरह तरह के स्टॉल्स भी हैं, आगे भी स्टॉल्स लगे हैं। करीब 100 से 150 स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए, जो अलग अलग प्रोडक्ट के हैं। यहाँ पर अलग ब्रांड का लगा हुआ है, ये ब्यूटी पार्लर का लगा हुआ है। इधर अगर आपको दिखाएं तो इधर देखिए, लकड़ी के फर्नीचर लगे हुए हैं जो ये बेचे जा रहे हैं। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लोगों से शायद जानकारी भी कर रहे होंगे। इन्हीं से पूछ लेते हैं, आप लोगों भैया यहाँ पे आप लोग नहीं हो, इनसे पूछ लेते हैं। ये देखिए, इधर दुकानदार हैं, ये सेल कर रहे हैं, इनसे पूछेंगे। देखिए, ये लोग यहाँ पर खरीदारी भी करने आई हुई हैं और इन लोगों से जानकारी भी कर रहे हैं। भैया, स्टॉल लगाए हैं आप यहाँ, कहाँ से आए हैं? सहारनपुर से। सहारनपुर से, क्या नाम है? मेरा फराज गोर। फराज गोर, किस किस तरीके का क्या है फर्नीचर आपके यहाँ? रखा आपके सामने, बताओ क्या क्या? बताओ नाम बताइए। कोट हो गई तुम्हारी, टेबल हो गई, स्टूल हो गए, सोफा हो गया, दीवान हो गया, झूले तो खैर सेल हो गए हमारे। और ये आइटम है बेड है। अच्छा, कुछ लोग आ रहे हैं? बस ये देखो माल आ रहा, उधर दिखाओ। नहीं, लोग आ रहे हैं और आ रहे हैं। खरीदारी हो रही है? बड़ा माल नहीं, इतना बिक रहा, छोटा बिक रहा है यहाँ। बिक रहा है 20-50 वाली आइटम ज्यादा बिक रही है। बिल्कुल, देखिए छोटा माल बता रहे हैं, जरूर बिक रहा है। और देखिए, लोग खरीदारी यहाँ पर करने आए। ये गृहस्थी का सामान खरीद रही है, महिलाएं हैं, समझ सकते हैं। जब महिलाएं होती तो किचन का ही सामान ज्यादा तर खरीदती है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, कानपुर देहात महोत्सव लगा है, कैसा लग रहा है? बढ़िया, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। यहाँ खरीदारी आप लोग कर रहे हैं तो कुछ किफायती दामों मिल रहा है? किफायती दामों पे तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये कि अच्छा है, जिस अच्छी एक ही जगह आपको हर प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहे हैं? हाँ हाँ, सारी चीजें। क्या नाम है आपका? भारती। भारती जी, आपका क्या नाम है? राम देवी। क्या खरीदा है यहाँ से आप? बेलन। बेलन खरीदा है तो अच्छा लगा यहाँ पर स्टॉल? जी 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 बिल्कुल। देखिए, गृहिणी भी आ रही है जो किसी किचन का भी सामान खरीद रही है। अगर इसके पीछे लाइन की बात करें तो वहां पे भी ले चलते हैं आपको। तमाम तरीके के स्टॉल लगाए, हर तरह तरह की दुकानें यहां पर सजाई गई हैं। ये देखिए, ये स्टॉल लगा हुआ है। ये एडीएम साहब भी शायद कुछ जानकारी कर रहे थे। सर, क्या किस तरीके के स्टॉल लगे हैं यहाँ पर? अरे, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें कुछ ब्रांडिंग हो रही है, कुछ ब्रांड के चीजें हैं जो कि अपने डिस्काउंट पे बेच रहे हैं। जैसे मैं मसाले की दुकान पे खड़ा हूँ, ये नमस्ते इंडिया वालों की है। इन्होंने एक नया मसाला अभी लॉन्च किया है, मुझे लग रहा है नए है, हमें तो अभी तक नहीं सुना है। वाह करके आप भी देखने आए, खरीदारी करने आए? यस, मैं आ गया था। अच्छा, ये उत्सुकता बस। कानपुर देहात महोत्सव किया जा रहा है, लोग आ रहे हैं? हाँ, लोग तो बहुत आ रहे हैं, बहुत उत्सुक हैं। अभी कुछ कार्यक्रम भी ऐसे होते हैं जिनमें कि इतनी भीड़ हो जाती है, अपार भीड़, कि संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। ये एसडीएम साहब है, माफ कीजिएगा, हमने एडीएम साहब कह दिया था। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र कुमार। कहाँ से एसडीएम है? एसडीएम हेडक्वार्टर हूँ। हेडक्वार्टर अभी माती मुख्यालय में है, अतिरिक्त कार्यभार इनके पास है। और अगर अंदर की बात करें, अंदर ले चलते हैं आपको। ये देखिए, अंदर कार्यक्रम चल रहा है कानपुर देहात महोत्सव में। लोगों की भीड़ खचाखच है यहाँ पर। कुछ जो लोग अंदर नहीं जा पाए वो बारी बारी गेटिंग पे देख रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर ले चलते हैं, ये स्टॉल लगा हुआ है। देखिए, यहाँ पर बाकायदा मनोरंजन, बच्चों के मनोरंजन के लिए भी चीजें लगाई गई हैं। बच्चे देखिए यहाँ पर झूला झूल रहे हैं, उनके घर के भी लोग हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर फन का आनंद ले रहे हैं, बच्चे झूला भी झूल रहे हैं। कैसा लग रहा है बेटा आपको? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है झूला झूलने में। देखिए, ये बच्चे हैं, समझ सकते हैं, बच्चों को काफी खुशी हो रही है। और ये देखिए किस तरीके से
यहाँ पर स्टॉल पूरी तरीके से सजाए गए हैं, चाहे कपड़ों के हो, चाहे बर्तन के हो, हर तरीके के यहाँ पर प्रोडक्ट हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये शादी ब्याह में जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वो कपड़े यहाँ पर हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? सर अमन। कहाँ से आए हैं? अकबरपुर से आए। अकबरपुर जी, सेल हो रही है आप लोगों को? सर ये एडवर्टाइज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, एडवर्टाइज डिस्प्ले लगाए हुए हैं जी, लोगों को बता रहे हैं जी। किस तरीके के कपड़े बेचते हैं आप? सर हमारे यहाँ 400 से स्टार्टिंग है, फिर जैसी आप वैरायटी लेना चाहें। शादी भी आगे भी है जी, मैरिज एनिवर्सरी। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कई लोग हैं, ये शर्टों की भी दुकान है, रेडीमेड की दुकान लगाए हुए हैं। सर आप लोग कहाँ से आए हैं? सर सर हम लोग कानपुर से आए हुए हैं। कानपुर में अपने टेस्कॉट के नाम से 4 स्टोर्स भी हैं, कर रही कल्याणपुर, गोविंद नगर एंड बर्रा। अच्छा, यहाँ पे कैसा रिस्पांस मिल रहा है? सर यहाँ पे रिस्पांस बढ़िया है, हम लोग यहाँ पे प्रमोट करने आए अपने ब्रांड को, तो प्रमोशन अच्छा हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल आ रहे हैं जी सर, बिल्कुल आ रहा है लोग। देखिए जिस तरीके से स्टॉल के लोगों ने बताया, लोगों को अच्छा लग रहा है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं। ये खाली यहाँ डिस्प्ले के लिए लगाए हुए हैं कई ब्रांडिंग। आप भाई साहब ये क्या लगाए हुए हैं? सब इंडिया का पहला प्लांट है जो रनिया में स्थित है। हम लोग वेस्टेज प्लास्टिक को रिसाइकल करके फर्नीचर्स रेडी करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इंडिया का पहला झूला है जो वेस्टेज प्लास्टिक को रिसाइकल करके बनाया गया हुआ है। अच्छा, ये बेंच भी आप? हाँ जी, जो भी यहाँ पे सारा प्रोडक्ट रखा हुआ है, सारा प्रोडक्ट वेस्टेज प्लास्टिक को रिसाइकल करके बनाया गया है। हमारी इंडस्ट्री है श्री श्याम पैकेजिंग जो रनिया में स्थित है। तो इसका प्रमोशन कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लोग आ रहे हैं जानकारी? आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया, वेस्टेज प्लास्टिक का इस्तेमाल करके बनाते हैं, वो जो झूला जिसमें बच्चा झूल रहा है वो भी इनके द्वारा ही निर्मित किया गया है, इनकी कंपनी ने बनाया है। और ये मथुरा से आए हुए हैं, देखिए ये रामायण हनुमान चालीसा की बुकलेट भी है इनके पास। क्या नाम है सर आपका? जगवीर। कहाँ से हैं सर? मथुरा से सर। क्या क्या आप लोग सेल कर रहे हैं? ये स्पीकिंग बुक है सर, श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ, जिसको 14 भाषाओं में डिजाइन किया गया है और ये अपने आप बोल करके पढ़ करके सुनाएगा। ये दूसरा रामायण है आपका, इसको वज्र को आप जहाँ पे भी टच करेंगे अपने आप उसी चीज के बारे में बोल करके बताता है। आप खाली टच कीजिए, अपने आप उच्चारण करेंगे। इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का और हनुमान जी का सचित्र वर्णन किया गया। लोग आ रहे हैं यहाँ पर बहुत सर, एक यूनिक चीज है और सारे लोगों का यही बोलना है कि एक पहली बार देखा है। वर्ल्ड की पहली ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको बोल करके पढ़ करके सुनाएगी, जिसमें तीनों चीजें, बच्चों का एजुकेशन पैकेज भी है, रामायण भी है और श्रीमद् भागवत गीता। बहुत यूनिक चीज है और सेल हो रही है बहुत तगड़ा। क्या रेट है एक रामायण का? सर वैसे ये MRP 15,000 रुपए का है, लेकिन रजिस्ट्रेशन से आपको 10,690 रुपए में रामायण मिलती है, 11,190 रुपए में श्रीमद् भागवत गीता। मतलब महोत्सव में लगाए तो रिबेट छूट भी दे रहे हैं। बहुत बहुत पूरा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत तगड़ा सर। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से लोग कह रहे हैं, स्टॉल के लोग, उनको रिस्पांस मिल रहा है। कानपुर देहात महोत्सव जिस तरीके से मनाया जा रहा है, हर तरीके की वैरायटियां यहां पर लगाई गई है। देखिए कृषि के लिए भी अगर बात करें तो कृषि के लिए लगाई गई है, ये घर को सजाने के लिए पेंट्स के भी स्टॉल लगाए गए हैं, घरेलू बर्तन है। भाई साहब आप आइए इधर, क्या नाम है आपका? ओमेन सिंह। ओमेन सिंह, ओमेन सिंह, ओमेन सिंह जी। हाँ। लोग आ रहे हैं आपके पास? हाँ आ रहे हैं, रिस्पांस मिल रहा है, हाँ जानकारी लेके जा रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हर स्टॉल की अगर बात करें तो स्टॉल पे लोग खरीदारी कर रहे हैं। ये बर्तन की दुकान लगाए हैं, किचन भी है यहाँ पर, किचन जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पर लगा रखा है। और इधर महिलाओं के खरीदने के लिए देखिए चीज़ें हैं, जो कहा जाता है कि ब्यूटी पार्लर टैब, उनके सजने के लिए हर एक तरीके की चीज़ें हैं। महिलाएं यहाँ पर ज़्यादा आ रही हैं। और पीछे अगर आपको ले चलें तो पीछे ये देखिए अगरबत्ती है, ये शायद होममेड बनाई गई है। क्या नाम है सर आप? अशोक। अशोक जी कहाँ से हैं? ये बिगाही से हैं। इसी जिले से? हाँ, बिगाही अकबरपुर कानपुर देहात। रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को? लोग आ रहे हैं खरीदारी? नहीं, खरीदारी करने आ रहे हैं हम, प्रचार प्रसार, ये हमारा सिद्ध ब्रांड है। हाँ। और ये जो धूप हमने बनाई है सबसे अलग है, ये हमने अपने कोयले रिसर्च में बनाई है, ये कोयले खुद बनाया है? खुद बनाई, ये कोयले इसका रिसर्च किया है। हाँ। ये हमारी हर धूपों में जो बहुत तेज जलती है, ये हमारी एक स्टिक 40 मिनट जलेगी। 40 मिनट जलेगी? हाँ जी सर। पूछ रहे हैं आके? हाँ बिल्कुल सर जी, हमारा हर जगह प्रोटेक्ट जा रहा है। रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस मिल रहा है सर जी, हम मेहनत कर रहे हैं तो रिस्पांस मिलेगा। बिल्कुल, हर तरीके से लोग यहाँ पर खुश हैं, उनको रिस्पांस यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ बर्तन की भी दुकान लगाए हुए हैं, और यहीं पर अगर देखें तो कपड़ों भी दुकान है, जिसमें महिलाएं ज़्यादा हैं, अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीद रहे हैं। हर तरीके की दुकानें, स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हुए हैं। अगर आपको पीछे ले चले, यहाँ पर बैंक का स्टॉल लगा है, शायद लोग आते भी होंगे जानकारी करने। और अगर पीछे की तरफ ले चलें आपको, ये देखिए
महिलाओं की भीड़ आपको ज़्यादा दिखेगी इस कानपुर देहात महोत्सव में जो स्टॉल्स लगे हैं, क्योंकि उनकी खरीदारी के लिए यहाँ पर कपड़े हैं। ये बैग्स अभी हमने आपको बाहर एंट्री करते समय दिखाए थे, लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं और ख़रीदारी करने के बाद कहीं ना कहीं लोगों का भी जो यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं उनका कहना है हर तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है। और अगर आगे की बात करें तो इधर भी देखिए घर को सजाने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से गुलदस्ते भी हैं, डेकोरेट करने के लिए हर एक चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही होगी। देखिए लोग यहाँ पर किस तरीके से ख़रीदारी करने आए हैं, घर पर सजाने के लिए गुलदस्ता है जो आर्टिफिशियल के तौर पे नहीं लेकिन लकड़ी से ये बनाया गया है। ये बेच रहे हैं, पूछ लेंगे कहाँ से आए, क्या नाम है भैया आपका? सर हैदर अली। हैदर जी कहाँ से आए हैं? असम गुवाहाटी से। गुवाहाटी से यहाँ पे आए स्टॉल लगाने? बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अच्छा ही है। क्या क्या बेच रहे हैं आप? सर ये बांस का सारे आइटम है, पेन स्टैंड है, फ्लावर पॉट है, बांस का ट्रे। ये बांस का बना हुआ है सर? टोटल बांस का काम। आप लोग बनाते हैं? खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं जी जी। रिस्पांस ठीक मिल रहा लोग? ठीक है ठीक है। बिल्कुल देखिए अगर बात करें तो ये हर एक चीज, अगर ये फूल भी आपको दिख रहा होगा तो ये भी बांस से बनाया गया है। ये बहुत ही अच्छी कारीगरी है। लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, आपसे पूछेंगे। आपने अभी देखा इसको, कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत अच्छे लगे। बहुत अच्छा लगा है। तो इस स्टॉल में आपको कैसा लग रहा है, एक ही जगह पे हर एक चीज आपको मिल रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। okay. बिल्कुल यहाँ के लोग हैं जो स्टॉल पे गैदरिंग कर रहे हैं, अपना जो भी चीजें उनको जरूरत की लग रही हैं वो अपना ले रहे हैं, खरीदारी भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर कई लोग हैं, हर तरीके के स्टॉल्स हैं। ये बर्तन प्लास्टिक के स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये भी लोग आए हैं। भैया कहाँ से आए हो आप लोग? हाँ जी दिल्ली। दिल्ली दिल्ली से आए हो? क्या नाम है? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी स्टॉल में रिस्पांस मिल रहा है आपको? नहीं जी। आप बताइए। रिस्पांस नहीं मिल रहा है? क्यों रिस्पांस नहीं मिल रहा? क्या रेट ज्यादा है क्या? रेट कुछ ज्यादा नहीं है, पब्लिक आती है सिर्फ देख के चली जाती है, कोई खरीदता नहीं है। और ये प्लास्टिक नहीं है, बेम्बू से बना हुआ है, बांस की लकड़ी। मतलब बेम्बू बांस? बांस बांस से बना हुआ जी। ये सारी प्रोडक्ट आपके बांस से बने? जी सर। तो ये क्या टूटते नहीं है क्या? सर टूटती तो हर चीजें हैं, जैसे नॉर्मल में ऐसे छूट के गिर जाएगा ऐसे नहीं टूटेगा, अगर तोड़ना चाहोगे तो टूट जाएगा। तो ये क्या आपकी फैक्ट्री है वहाँ? नहीं सर ये हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्टेड कहाँ से लाते हैं? मेड इन ताइवान, ईरान से। ताइवान का है ये जी। रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा बस ये। बिल्कुल देखिए ये जो बता रहे हैं ये ताइवान से ही प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, जिसको अपने इंडिया में सेल करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग जिले में जाते हैं। वहीं अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स भी होंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए हाजमे की अगर बात करें तो हाजमे के लिए भी तरह तरह की आपको यहाँ पे वैरायटी और व्यंजन मिल जाएंगे। लोग यहाँ पर आते हैं खरीदारी करने के लिए, खरीदारी भी कर रहे हैं। और हर तरीके की अगर बात करें, इधर देखिए ड्राई फ्रूट भी लगाए हुए हैं। ये पतन ये शायद जम्मू कश्मीर से ये लिखा हुआ है इसमें। सर कहाँ से आए हैं? कश्मीर से साहब। कश्मीर से आए हैं सर। क्या क्या बेच रहे हैं? अखरोट, बादाम, अंजीर, किशमिश, काजू, सब कुछ है सर। अच्छा क्या क्या रेट है कुछ ऐसा बता दीजिए। ये सर खजूर है सर 300 रुपए किलो है सर, वो किशमिश है 280 रुपए किलो है, बादाम है सर 680 रुपए किलो, अखरोट है 800 रुपए किलो। और भी रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? डिस्काउंट भी मिलता है साहब? नहीं रिस्पांस मिल रहा है जी, जी, जी। खरीदारी कर रहे हैं? खरीदारी थोड़ा थोड़ा खुद जाते हैं, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ज्यादा तो नहीं होता है, थोड़ा होता है सर। थोड़ा थोड़ा हो रहा है। लोग आ रहे हैं जी? लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। देखिए लोग दुकानदार हैं, ये वो दुकानदार हैं जो जम्मू कश्मीर से भी आए हैं, आसाम से भी आए हैं, उनका यहाँ स्टॉल लगाए, दिल्ली से भी आए। हालांकि एक दो लोगों को रिस्पांस नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर स्टॉल्स की बात करें तो यहाँ पर कपड़ों के ज़्यादा स्टॉल आपको दिख रहे होंगे। ये महिलाओं के सजने संवरने के लिए बाली बिंदी भी यहाँ पर लगी हुई हैं जिन पे महिलाएं ज़्यादा हैं। और ये देखिए एक अलग तरीके की मैटिंग है यहाँ पर, ये मैटिंग शायद हैंडक्राफ्ट है, ये हाथों से बनाई जाती है क्या? हैंडवर्क है, हाथ का बना हुआ है। ये कहाँ से आए? आपका जो है यूपी से ही है ये, आपका रेशम का धागा से जूट है, रेशम देखिए ना, जूट सर रेशम के धागा से बना हुआ है, टोटल हैंडवर्क है, हैंडवर्क हाँ, हस्तकला आप पूरा दिखा दीजिए ऊपर से नीचे तक। हाँ ये जो है ना सर पूरा जो है ये देखिए, ये रेशम धागा का है, ये रेशम का है, और जिसमें जूट रेशम सारा चीज का बना हुआ है। इसमें यहाँ के लिए देहात के हिसाब से रेट भी बिल्कुल हम लोग कम से कम, ताकि पहली बार लगाए यहाँ पे, इसलिए रिस्पांस मिल रहा है, बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत अच्छा हो रही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बिल्कुल देखिए ये यूपी के ही हैं जो यहाँ पर हैंडक्राफ्ट की जो मैटिंग है, जो लोगों को रिस्पांस इनको मिल रहा है, जिनका कहना है कि लोग आ रहे हैं खरीदारी भी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए महिलाओं के लिए साड़ी भी यहाँ पर स्टॉल लगी है, महिलाएं खरीदारी यहाँ पर कर रही हैं। एक ये स्टॉल लगा, जैसा कि हमने अभी कहा कि यहाँ पर
सैकड़ों स्टॉल लगाए गए हैं कानपुर देहात महोत्सव में, और सबसे ज़्यादा स्टॉल्स यहाँ पर कपड़ों के हैं, महिलाओं के लिए हैं, और जो एक कुछ जेंट्सों के लिए भी शर्ट की दुकान भी यहाँ पर लगी है, हर तरीके की हैं यहाँ पर स्टॉल्स। और बच्चों के लिए देखिए खिलौने का स्टॉल्स भी है हर एक। यहाँ पर देखिए ये बच्चा है पुलिस की वर्दी में खड़ा है यहाँ पर। आप कुछ खरीदने आए हैं? Yes. क्या खरीद रहे हैं? टॉय खरीद रहे हैं। गन तो नहीं खरीद रहे? इधर देखिए, इधर देखिए, क्या नाम है आपका? राघव। राघव, ये आप पुलिस की ड्रेस में हैं? डांस कराता, अभी कार्यक्रम किया था आपने, आप तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे आपको बिल्कुल। देखिए ये राघव है जो पुलिस की वर्दी में है, यहाँ पे अभी इन्होंने एक कार्यक्रम किया है, यहाँ पर टॉय खरीदने आए हैं। तरह तरह के स्टॉल्स हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि रिस्पांस नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि रिस्पांस उनको बहुत अच्छा मिल रहा है। समझ सकते हैं लोग जैसे होंगे आते जाएंगे, लोगों को रिस्पांस मिलता जाएगा। महिलाएं यहाँ पर ज़्यादा आ रही हैं क्योंकि उन महिलाओं के लिए खरीदारी करने की चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा हैं। कानपुर देहात से सूरज सिंह, कानपुर तक।